थाने शहर में एक शिक्षक पर तलवार और अन्य घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में काफी गंभीर रूप से घायल शिक्षक को थाने शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घायल शिक्षक का दावा है कि उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने यह जानलेवा हमला उस पर करवाया है। थाने शहर के निजी अस्पताल में उपचार करा रहे यह हैं शिक्षक महाजन प्रजापति, जिन पर 4 से 5 लोगों ने तलवार और अन्य घातक हथियारों से जानलेवा हमला किया। प्रजापति का कहना है कि वह उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी। वह स्कूल के नाम मात्र मिनटों के लिए आते थे और शिक्षकों को वह धमकाते थे, और इसी शिकायत को लेकर मिश्रा ने अपने बेटे और सहयोगियों को उस पर जानलेवा हमला करने के लिए उकसाया। फिलहाल इस मामले की शिकायत थाने शहर पुलिस ने दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरू कर दी है। वही रमेश चंद्र मिश्रा, इसने हमला करवाया और खुद उसने दिखाया कि ये लोग, वो देखो बैठा है, वही व्यक्ति है। 4-5 लोग तलवार लेकर दौड़े, मुँह पे पट्टी बांधे थे, उसका लड़का भी था, और बस कुछ पूछना नहीं, धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। किसके कारण मारा रहेगा, किसने भेजा है ये सब? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र सोने थे। इसके पहले भी आपको धमकाया था? हाँ, स्कूल में सभी टीचरों के सामने थोड़ा गाँव में पेट्रोल डाल के मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी नहीं मिलेगा। इसके बारे में आपको तहकीकत की थी कुछ शिक्षण विभाग या? बहुत हम लोगों ने कंप्लेंट किया है प्रधानमंत्री, शिक्षण मंत्री, शिक्षण विभाग के हर अधिकारियों को, सभी को हमने कंप्लेंट दिया है। क्या कंप्लेंट थी, क्या कारण था? कंप्लेंट इसलिए अनियमितता थी, स्कूल में नहीं आता था, हमको धमकाता था, इसके पहले के मुख्य अध्यापक को धमका कर घर बैठ के पगार लेता था, संस्था से मिल करके कभी स्कूल नहीं आता था। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसका? क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी मांग? कार्रवाई तो सर संस्था और इसके दोनों के ऊपर होनी चाहिए, दोनों को मिली भगत स्वीकृत हो रहा है। उसमें प्रेमचंद तिवारी जो माध्यमिक विभाग के मुख्य अध्यापक है, उसी के सपोर्ट, उन्हीं के सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह एक गुरु के नाम को रमेश मिश्रा कलंकित कर रहे हैं। कहा जाता है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, क्या ऐसे अपराधी होते हैं गुरु? हम आपको बता दें कि महाजन प्रजापति ने रमेश मिश्रा के खिलाफ सभी शिक्षण अधिकारी से लिखित शिकायत की थी, शायद इसीलिए रमेश मिश्रा ने यह हमला उन पर करवाया ताकि उनका डर सभी लोगों में बना रहे। मेरा नाम ईशान प्रजापति है, मेरे बड़े पिताजी जिनका नाम महाजन प्रजापति है, वो ज्ञानोदय विद्या मंदिर में एज ए प्राथमिक टीचर काम करते हैं, पढ़ाते हैं। तो कुछ दिन पहले से ही जो वहाँ के मुख्य अध्यापक हैं उनका, वो मेरे बड़े पिताजी को धमकी देते थे कि तुमको मार दूंगा तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि बड़े पिताजी मीन्स वो अपना स्कूल, खुद का स्कूल चलाते थे, बट यहाँ पे आते नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर करके चले जाते थे। 2-3 सालों से इनका यही चालू था प्रक्रिया, और वो सिर्फ सिग्नेचर करके चले जाते थे, पढ़ाते नहीं थे कुछ नहीं। तो पापा उनके खिलाफ़ शिक्षण विभाग में कंप्लेन डाले थे, सब कुछ कहते, तो वो हमेशा बड़े पापा को धमकी देते थे कि मार दूंगा तुमको, कहीं से भी उठवा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा सब कुछ। उसके बाद कल अचानक से 11 बजे पापा, मेरे पान की एक दुकान है तो वहाँ पर बैठते हैं, तो 11 बजे के करीब लगभग 5 से 6 लोग आए, मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे, प्लस उनका नंबर प्लेट भी ढका हुआ था। वो लोगों ने डायरेक्टली पप्पा पे हमला किया, तलवार से मारा। और जिस आदमी ने किया है उनका नाम, वो मुख्य अध्यापक है रमेश मिश्रा करके हैं, वो तो उन्होंने किस तरह से मेरे पप्पा भी, जैसे आप जैसे देख सकते हैं लोकमान हॉस्पिटल, इसमें एडमिट है। उनका बायां लेग जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है, और बाएं हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है, प्लस गर्दन के नीचे भी सब कुछ लगा हुआ है। तो उसका FIR कॉपी सब पुलिस बरतकने के पुलिस स्टेशन में सब कुछ जा चुकी है। आगे क्या जांच रहेगी आपकी, क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से शिक्षक को पीटा गया है, किस तरह से आगे की जांच? आगे हम अभी पुलिस पे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि जो भी है उनको पहले, सबसे पहले कि अरेस्ट किया जाए रमेश मिश्रा को। पुलिस गई भी थी बट वो अपने घर से फरार है, तो उसके लिए सब कुछ प्रक्रिया चालू है, आगे जैसा भी रहेगा। चालू,